हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शक्ति कश्यप और आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक कस्टम डोमेन को अपने ब्लॉगर पर रजिस्टर कर सकते हैं GoDaddy.com की वेबसाइट से। तो आइए हम अपने ब्लॉग पर जाते हैं। हम अपने ब्लॉगर के ब्लॉग पर गए और हम यहां सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद में हमने यहां पर क्लिक किया सेटअप अ थर्ड पार्टी URL फ्रॉम योर ब्लॉग। हमने इस पर क्लिक किया और हम यहाँ पर अपने ब्लॉग का URL टाइप करते हैं। याद रखिए कि हमें अपने सबसे पहले हमें www.jo लगाना है, ये बहुत जरूरी लगाना। फिर हम अपने ब्लॉग का वो डोमेन देते हैं जो हमने परचेस किया है। हम यहाँ पे अपने ब्लॉग का एड्रेस देते हैं, ये हमने एड्रेस दे दिया और अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेव। जब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के एयर आएंगे। तो हम इनको क्या करना है, अब हमें इनकी सेटिंग करनी है अपने GoDaddy के अकाउंट पे। तो हम अपने GoDaddy के अकाउंट पे जाते हैं। यहाँ पर हम गए, यहाँ हमने डोमेन के ऊपर क्लिक किया। यह हमारे पास एक डोमेन है जो हमने परचेस किया है। हम यहाँ पे लॉन्च के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद में हम DNS जोन फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने ये आ गया है। तो हम यहाँ पे जाने इस पे आने के बाद में हमारी जोन फाइल आ गया है। या इसके अब हम नीचे आते हैं, ये हम सी नेम पर आते हैं। सी नेम पर ये आ रहा है www और ये इसका पॉइंट से @। तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे होस्ट को सेम रहने देते हैं, www रहने देते हैं और इस पॉइंट टू में @ को हटाते हैं और यहाँ पे हम अपने ब्लॉगर पर जाते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी हमने इसको किया और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से हम इसको फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं। और अब हम आते हैं एड अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं और तो हमारे सामने ये डिस्प्ले ओपन हो जाती है। फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसमें सेलेक्ट करते हैं सी नेम सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे होस्ट पे हम क्लिक करते हैं और हम अपने जाते हैं ब्लॉगर पर जाने का भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इस पे राइट क्लिक करके हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पॉइंट टू पर क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे आके हम इसको फिनिश कर देते हैं। हम इसको भी सेव कर देते हैं। देखिए हमने ये आखा था, पहले ये रजिस्टर किया हमने www का, ये रजिस्टर किया था और अभी हम लास्ट वाला जो किया वो हमने ये रजिस्टर किया है। अब अगली सेटिंग के लिए हम वापस अपने ब्लॉगर पर जाते हैं। यहाँ पे जाके हम इसको कहते हैं व्यू सेटिंग इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते हैं। और इसमें सबसे नीचे आते हैं और इसमें क्लिक करते हैं इस वाले को ऑन आर टॉप लेवल डोमेन, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये देखिए हमारे सामने ये कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। तो अब हम इनकी सेटिंग करते हैं।
हम जाते हैं अपने वापस गोडेडी के अकाउंट पे, और यहाँ पे दोबारा से ऐड अकाउंट करते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ए होस्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। होस्ट पे हम टाइप करते हैं @, और पॉइंट से ऊपर आते हैं और यहाँ से इस आईपी को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको फिनिश करते हैं। हम दोबारा से ऐड अकाउंट पर जाते हैं। सेम वही करते हैं जो हमने किया था, ए होस्ट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ @ टाइप करते हैं, पॉइंट टू पाते हैं और ये सेकंड वाले को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं। यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ फिनिश पर हम क्लिक कर देते हैं। हम फिर से जाते हैं ऐड अकाउंट पर और फिर से वही कहेंगे जो हमने अभी किया था। अब हम तीसरा वाला सिलेक्ट करेंगे, ए होस्ट सेलेक्ट करते हैं। होस्ट को हमने @ टाइप किया, टेप की दवाई पॉइंट टू पर आ गए। ये थर्ड वाला हमने कॉपी किया, यहाँ आए पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके हमने फिनिश कर दिया। फिर से आते हैं ऐड अकाउंट पर, फिर से आते हैं हम। @ टाइप करते हैं, टेप की से पॉइंट टू पर आते हैं और ये अब लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। कॉपी किया, यहाँ पर आए पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आकर हम इसको फिनिश कर देंगे। देखिए ये सब हमारे यहाँ पर ऐड हो गए और इसके बाद हम यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारा सेव हो, और अब हमें करनी है अपनी आखिरी सेटिंग। तो हम जाते हैं अपनी सेटिंग के अंदर और यहाँ पर हम फॉरवर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं फॉरवर्डिंग के ऊपर, मैनेज के ऊपर। ये हमारे सामने ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। अब हमारे सामने ये डिस्प्ले आ गई। तो हम इस ऐड फॉरवर्डिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो हमारे सामने एक और न्यू विंडो आ गई। अब हमें यहाँ पे अपने डोमेन का नाम डालना है। हम यहाँ पे अपने डोमेन का नाम डालते हैं www, जो हमारे ब्लॉग का नाम है हम वो डाल देंगे यहाँ पे, जो हमारा कस्टम डोमेन है। और हमें यहाँ हम कर देते हैं ऐड। हम इसको यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। जैसा कि अब हमारी सेटिंग सक्सेसफुली हो गई है, तो अब हम अपने ब्लॉग पर जाकर देखते हैं कि हमारे डोमेन को गूगल ने सक्सेसफुली मतलब एडिट किया है। मतलब कि हम अपने ब्लॉग पर आकर देखते हैं कि अभी तक गूगल ने वेरीफाई किया कि नहीं। तो आइए हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करके देखते हैं। सेव हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लेता है।
सेटिंग वॉज सेव्ड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे हमारा जो है मोड रेवेंजर सक्सेसफुली सेव हो गया है, और अब हम यहाँ पे आते हैं एडिट करके देखते हैं। हम यहाँ पर हम आए तो अब याद रखिए कि हमें इसको रिडायरेक्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी मतलब वो होंगे ना, जैसे आपका जो ब्लॉग का एड्रेस होगा, जैसे hindi.blogspot.in आपका जो ब्लॉग का एड्रेस है या आपका जो भी होगा एड्रेस हमारा ये है, तो इसलिए मैंने बताया। तो अब जब आदमी कोई सर्च करेगा तो वो इसको डायरेक्ट hindi.in पर सेंड कर देगा। और मतलब जो hindi.in सर्च करेगा वो बिना www लगाए, तो ये उसको हमारे ब्लॉग के ऊपर सेंड कर देगा, मतलब कि विजिट कर देगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया है, रिडायरेक्ट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। हमारी सेटिंग सक्सेसफुली हो गई है, बस अब हम यहाँ पे अपना ब्लॉग ब्लॉग के ऊपर हम क्लिक करके हम देखेंगे तो हमारा ब्लॉग, देखिए hindi.in अपने आप हो गया। अब हम इसको इस तरह करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया www.hindi.in क्लिक किया हमने, एंटर किया अपने कीवर्ड से, तो अभी हमारे ब्लॉग पर लेके जाएगा, ये देखिए। और अब हम इसको www.hindi.blogspot.in हम इसको करेंगे, हमने देखिए डॉट ब्लॉग स्पॉट लगाया है, तो अभी हमें डायरेक्ट डॉट हम hindi.in पर ले जाएगा। तो अब आपसे कहें कि मतलब किस तरह से हम अपने कस्टम डोमेन को ब्लॉगों पर रजिस्टर कर सकते हैं godaddy.com से। हमारे और भी अधिक ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे अब हम कभी भी कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके ईमेल पर आपको ईमेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल।